हेलो गाइस, क्या आप भी स्लीपिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? मतलब क्या आप कम सोते हैं तो तब भी आपकी जो स्लीपिंग है वो पूरी हो नहीं पा रही है, प्रोडक्टिविटी लो है, आप ज़्यादा सोते हैं, मतलब 8 घंटे उससे ज़्यादा सो रहे हैं तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, आप लेजी फील कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लीपिंग हो सके और भी इफेक्टिव। ये यार फैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है यार, मैंने तो अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मेरी स्लीपिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो इसी को डिस्कस करते हैं। वेट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो यानी क्वांटम लैब पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के उसके बगल वाली जो घंटी है उसको भी दबा देना, जिससे मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब बोलोगे क्यों दीदी मैं आपका चैनल क्यों सब्सक्राइब करूँ, तो लिसन, इस चैनल पे मैं मोटिवेशन, फैक्ट, नॉलेज, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे सेल्फ ग्रोथ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर बहुत अच्छी लग रही है यार, दिल को छू जाए तो लाइक करके जाइयो, और अगर कोई ऐसा खास दोस्त हो और जो ऐसे कंटेंट देखना चाहता हो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, तो उसको यार शेयर कर देना। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, आर 6 आवर्स इनफ? क्या 6 घंटे सोना इनफ है? वेल गाइस, ये एज लिमिट के हिसाब से बात करें तो अगर आप बच्चे, अगर 9th-10th class के हैं तो आपको ना सोना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी पढ़ते हैं उसको रिटेन करने की ज़रूरत है यार, 7 घंटे तो ज़रूर से। अब फर्स्ट ईयर इंटर में तब भी आपको 7 घंटे या कम से कम 6 घंटे, उससे कम तो सोने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सी नॉलेज ग्रैप करनी है आपके सामने से, ठीक है। और अगर 18 के ऊपर है यार 6 आवर्स स्लीप तो है ज़रूरी, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहे और आप दिन में यार नैप ले सकते हैं छोटी सी, मतलब झपकी ले ले तो ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है यार सनलाइट, यार सनलाइट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम इसे इग्नोर कर देते हैं यार, सोचते भी नहीं इसके बारे में, बट यू नो 30 मिनट की जो सनलाइट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम सनलाइट में रहते हैं जो सनलाइट है वो हमारे अंदर जो स्लीपिंग हार्मोन्स है उसको बैलेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यार इस पॉइंट पे यार हमें ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ी सी मतलब एक्सरसाइज तो कर लेनी चाहिए, 10 मिनट तब भी करनी चाहिए, और एक फ्रेश एयर होती है उसको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार हम लोग 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं, तो यार हम लोग को फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, मतलब कि जो हर चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि यार हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें हमारी स्लीपिंग हैबिट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं यार, जब यार आप आजकल सब लोग फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन तो कॉमन है, तो यार जब भी रात रात भर जो लोग फ़ोन चलाते हैं, ये पाया गया है कि यार वो बच्चे या जो भी उनकी स्लीपिंग अच्छी नहीं हो पाती, वो सुबह नहीं जल्दी उठ पाते, तो यार इस चीज़ से यार सोने से पहले मतलब 90 मिनट, मतलब सो जब आपको जो भी टाइम है 11 बजे, तो यार 90 मिनट उससे पहले यार फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन क्योंकि उसकी जो ब्लू स्क्रीन होती है ये जो है ये हमारे जो स्लीपिंग हार्मोन्स है उसको बहुत अफेक्ट करता है, जो हमें सोने नहीं देता है। तो आगे से जब भी आप ये डिसाइड कर लो कि यार सोना जितने बजे भी आपको सोना है, तो उसे 90 मिनट पहले यार फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन, टेलीविज़न, जो कुछ भी आप चला रहे हो या लैपटॉप, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यार, जब भी आप सोते हो मतलब जिस रूम में सो रहे हैं यार, उस रूम में थोड़ा अंधेरा करके सोना, ठीक है, क्योंकि उस रूम में कोई आप नाइट बल्ब लगाते हैं नीली, पीली, हरी, यार वो अवॉइड कर दो, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारी स्लीपिंग में। वो कैसे, क्योंकि जब लाइट जो होती है ना हमारी स्किन में कुछ सेंसेस पाए जाते हैं, जो सेंस कर पाते हैं कि अगर लाइट जरा सी भी कम में जली होती है, तो वो सेंस करके हमें संकेत देते हैं हमारे ब्रेन में कि यार ये टाइम सोने का नहीं, मतलब तो यार ना अंधेरा होता है तो यार ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें यार ये है कि आप लोग जब भी सो रहे हो तो यार लेफ्ट अपने जो बॉडी है उसको लेफ्ट साइड लाइट करके सोना चाहिए। ये क्यों इफेक्टिव है यार, क्योंकि हम जो लेफ्ट साइड या जो सोते हैं तो हम लोग को जो काफ़ी सारे जो पैंक्रियाज जो भी है बॉडी में, तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, और जो हमारी जो हार्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से
वर्क कर रहा होता है, जब हम लेफ्ट साइड करते होते हैं। बट ये कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं कि आपको लेफ्ट साइड ही एकदम से सोना एकदम से ज़्यादा डाल नहीं सकते, मतलब पर जब भी स्टार्ट करिए सोना तो लेफ्ट साइड करके सोना ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो वेल गाइस, ये था आज का वीडियो, स्लीपिंग हैबिट जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं इफेक्टिवली सोना। ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा आप स्लीपिंग को बना सकते हैं इफेक्टिव। और जो भी क्वेश्चन रहते हैं 6 आवर्स हो या 5 आवर्स हो यार, ये सब बस दोगलापन है। आप या 6 घंटे सो, अगर आप का 18 एज है आपके तब 6 घंटे सो ये इनफ है स्लीपिंग, और थोड़ी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये आपकी स्लीपिंग हैबिट को और बना सकते हैं इफेक्टिव। सो गाइज़,